हेलो एवरीवन, मेरा नाम किरण है। चंद्र अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोग का स्वागत है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि हम हॉस्टल स्टूडेंट की जो टेस्ट सीरीज हो रही है उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे कर रहे हैं या उसके क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने 7 पेपर डिस्कस कर लिया है, आज हमारा 8वां पेपर है जो कि CDP है। ठीक है, चलिए आइए इसके बारे में जानते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, बुद्धिमत्ता का संबंध निम्न में से किससे है? केंद्रीय चिंतन से, सृजनात्मकता से, बहुआयामी चिंतन या उपयुक्त सभी से? ठीक है, तो बुद्धिमत्ता का चिंतन किससे है? बुद्धिमत्ता का संबंध निम्न में से किससे है? ठीक है, तो इसमें बुद्धिमत्ता का संबंध केंद्रीय चिंतन से भी है, सृजनात्मकता से भी और बहुआयामी चिंतन से भी है। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। भारतीय बैटरी परीक्षण का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? व्यक्तित्व, रुचि, बुद्धि या फिर अभिक्षमता? देखिए, भारतीय बैटरी परीक्षण क्या है, तो ये बुद्धि परीक्षण का एक समूह है। ठीक है, और इसका प्रतिपादक जो है वो CM भाटिया ने किया था, जिनका पूरा नाम चंद्रमोहन भाटिया है। ठीक है, तो इन्होंने बुद्धि की क्षमता मापने के लिए प्रयोग किया था ये बैटरी परीक्षण। तो सही आंसर हो जाएगा बुद्धि। अगला प्रश्न है, मानसिक पीढ़ी का प्रथम निम्न ज्ञान किसे कहते हैं? प्रत्यक्षीकरण, चेतना, संवेदना, बी एवं सी, दोनों। ठीक है, तो मानसिक पीढ़ी का प्रथम ज्ञान किसको बोला जाता है? चेतना को और संवेदना को। तो सही आंसर हो जाएगा डी, बी एवं सी, दोनों को। अगला प्रश्न है, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? ठीक है, तो आउट ऑफ द बॉक्स जो सिद्धांत है ये किसने प्रतिपादित किया? तो ये जो गिलफोर्ड है, ठीक है, साइंटिस्ट, इन्होंने प्रतिपादन किया किसके लिए? तो बुद्धि के सिद्धांतों में। ठीक है, और इन्होंने बुद्धि के सिद्धांत को कितने आयाम बताए? 3 आयाम बताए, जिसमें उन्होंने बताया संक्रिया, उत्पाद और विषय वस्तु। ठीक है, तो जो त्रि आयाम कौन कौन सा बताया? इन्होंने 3 आयामी बुद्धि का सिद्धांत दिया। ठीक है, तो इसमें इन्होंने फर्स्ट बताया संक्रिया, दूसरा बताया उत्पाद और थर्ड बताया विषय वस्तु। ठीक है, तो इसमें जो संक्रिया है उसके 5 टाइप्स बताए, कौन कौन से? स्मृति, संज्ञान, अपसारी, अभिसारी और मूल्यांकन। ठीक है, तो इसमें से आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन, जो आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन है, इसको किसमें बताया? इसको अपसारी चिंतन में बताया। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर की विचारधारा कैसी थी? ये प्रकृतिवादी विचारधारा के थे, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? विद्यालय जीवन के प्रारंभ में उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, परीक्षा में अच्छे अंक के लिए कोचिंग करना, अच्छी शिक्षा के लिए व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों को शिक्षण देना, प्रत्येक शिक्षार्थी की आंतरिक प्रतिभाओं का पोषण करने, प्रश्न करने का अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा गया है? शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण। ठीक है, शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण कौन करता है? तो प्रत्येक शिक्षार्थी की आंतरिक प्रतिभाओं का पोषण करने के लिए प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना, ऑप्शन डी। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है, तो शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब मानी जाती है? ठीक है, 1900 ईस्वी में इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। और शिक्षा मनोविज्ञान के जनक किनको बोलते हैं? तो एडवर्ड एल थार्नडाइक को बोलते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के जनक। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान
मनोविज्ञान की वह शाखा है जो सीखने व सिखाने या सीखने की प्रक्रिया से संबंधित है। यह परिभाषा किसने दी? ठीक है, तो यह परिभाषा किसने दी? स्किनर ने, पेस्टोलॉजी ने, क्रो व क्रो या वॉटसन ने। ठीक है, तो परिभाषा किसने दिया? स्किनर ने। अलग ढंग से कार्य करने तथा नए तरीकों का इस्तेमाल करने की योग्यता कहलाती है सृजनात्मकता, व्यक्तित्व विकास, नवीनता एवं जागरूकता। ठीक है, तो क्या है? अलग ढंग से कार्य करना, ठीक है, दूसरों से अलग कार्य करना क्या होता है? क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता, ऑप्शन ए। निषेधात्मक शिक्षा संबंधित है आदर्शवाद से, यथार्थवाद से, प्रकृतिवाद से या प्रयोजनवाद से। ठीक है, तो यथार्थ शिक्षा, सॉरी, निषेधात्मक शिक्षा किससे संबंधित है? ये संबंधित है प्रकृतिवाद से, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, बुद्धि लब्धि संप्रत्यय विकसित किया बीने ने, रीड ने, टर्मन ने, कैटल ने। ठीक है, तो बुद्धि लब्धि संप्रत्यय किसने विकसित किया? तो ये है टर्मन ने। ठीक है, ऑप्शन सी। किंतु सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि परीक्षण निर्माण किसने किया? तो सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि परीक्षण का निर्माण अल्फ्रेड बीने ने किया। ठीक है, और विलियम स्टर्नर ने बुद्धिमापन के लिए बुद्धि लब्धि का प्रयोग किया सर्वप्रथम। ठीक है, तो सबसे सर्वप्रथम निर्माण किसने किया? अल्फ्रेड बीने ने। और बुद्धि मापने के लिए बुद्धि लब्धि का प्रयोग किसने किया? विलियम स्टर्नर ने किया। अगला प्रश्न, व्यक्तित्व को विश्लेषणात्मक व संश्लेषणात्मक भागों में किसने वर्गीकृत किया? आलपार्ट व कैटल ने, न्यूमैन तथा स्टर्नर ने, क्रेशमर व शेल्डन ने, यूंग व एडलर ने। ठीक है, तो विश्लेषणात्मक एवं संश्लेषणात्मक भागों में किसने वर्गीकृत किया? तो न्यूमैन और स्टर्नर ने। व्यक्तित्व के प्रकार नामक पुस्तक किसने लिखी है? ठीक है, तो व्यक्तित्व के प्रकार नामक पुस्तक किसने लिखी है? स्प्रेंगर ने। व्यक्तित्व जन्मजात व अर्जित प्रवृत्तियों का योग है, यह परिभाषा किसकी है? ठीक है, व्यक्तित्व की परिभाषा कि व्यक्तित्व जो है वो जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योग है, यह परिभाषा किसने दिया? तो वैलेंटाइन ने। ठीक है, ऑप्शन ए, वैलेंटाइन। चलिए अगला प्रश्न है, रोर्शर स्याही धब्बा परीक्षण किस प्रविधि के उपयोग का उदाहरण है? मापनी प्रविधि, प्रक्षेपी प्रविधि, निरीक्षण प्रविधि या फिर प्रश्न विविधि प्रविधि। ठीक है, तो ये जो रोर्शर स्याही का धब्बा परीक्षण है, ठीक है, ये किससे संबंधित है? व्यक्तित्व मापन की विधियां से संबंधित है। ठीक है, तो व्यक्तित्व मापन की कितनी विधियां होती है? दो विधियां होती हैं, प्रक्षेपी प्रविधि और अप्रक्षेपी प्रविधि। तो रोर्शाही धब्बा है वो किसके अंतर्गत आता है? ये आता है प्रक्षेपी प्रविधि के अंतर्गत आता है। व्यक्तिक भिन्नता का क्या अर्थ है? दो व्यक्तियों में शारीरिक भिन्नता होना, कोई दो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते। कोई दो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक योग्यता में समान और एक जैसे होते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया? व्यक्तिक भिन्नता के बारे में बोला गया। ठीक है, तो व्यक्तिक भिन्नता क्या सिर्फ शारीरिक भिन्नता से संबंधित है? ठीक है, नहीं, व्यक्तिक भिन्नता सिर्फ शारीरिक भिन्नता से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो कोई दो व्यक्ति जो है वो शारीरिक
मानसिक और संवेगात्मक दशा, ठीक है, तीनों में एक जैसे नहीं होते हैं। ये क्या होती है, व्यक्तिगत भिन्नता होती है, ठीक है। किसी की देखिएगा आप हाइट, कोई ज्यादा हेल्दी होता है, कोई बहुत दुबला पतला कम हाइट का होता है, ठीक है, शारीरिक भिन्नता हो गई। मानसिक योग्यता भी अलग अलग होती है कि कोई बहुत छोटे उम्र में बहुत ज्यादा क्या होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। तो इस टाइप की व्यक्तिगत भिन्नता जो होती है वो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक दशा में एक समान और एक जैसे नहीं होती है। अगला प्रश्न, मानव जाति में वे कौन से व्यक्तिक निर्धारक तत्व होते हैं जो मानव जाति की विविधता को बताते हैं? पर्यावरण का अंतर, अनुवांशिकता का अंतर, अनुवांशिकता व पर्यावरण की अंतःक्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो मानव जाति के व्यक्तिक निर्धारक तत्व, ठीक है, व्यक्तिक निर्धारक तत्व जो मानव जाति की विविधता को बताते हैं, तो ये क्या है, अनुवांशिकता और पर्यावरण, दोनों की क्या, अंतःक्रिया, ठीक है, जो क्या होते हैं, मानव जाति की विविधता को प्रदर्शित करते हैं। अगला प्रश्न, नियंत्रित दशाओं में किया गया अध्ययन देश कहलाता है। तो नियंत्रित दशाओं में किया गया अध्ययन क्या कहलाता है, प्रयोग कहलाता है। सर्वप्रथम बुद्धि का वैज्ञानिक मापन किसने प्रारंभ किया? तो सर्वप्रथम बुद्धि का वैज्ञानिक मापन जो है वो किन्ने प्रारंभ किया, बीने ने, ठीक है, अल्फ्रेड बीने ने। अगला प्रश्न, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है जो मनुष्य व पशुओं के व्यवहार का अध्ययन कराता है, यह परिभाषा किसने दी? यह परिभाषा किसने दी, वुडवर्थ, वॉटसन, क्रो एंड क्रो, जेम्स डे, ठीक है। तो इसकी परिभाषा थी जेम्स डे, इन्होंने क्या बोला कि मनोविज्ञान व्यवहार का वह शुद्ध विज्ञान है जो मनुष्य व पशुओं के व्यवहार का अध्ययन कराता है। अगला प्रश्न, बुद्धि सीखने की योग्यता है, यह कथन किसकी है? ठीक है, बुद्धि सीखने की योग्यता, ये परिभाषा किसने दिया, ये परिभाषा दिया बकिंगहम ने। बुद्धि एवं विकास है, शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास, उपयुक्त सभी, ठीक है। बुद्धि क्या है, सिर्फ शारीरिक विकास है क्या, या फिर सिर्फ बौद्धिक विकास है, या सिर्फ सामाजिक विकास है? तो बुद्धि एवं विकास क्या है, इन तीनों का विकास है, जिसको क्या बोलते हैं, सर्वांगीण विकास बोला जाता है, ठीक है। तो उपयुक्त सभी, सही आंसर होगा। बुद्धि एवं विकास क्या है, शारीरिक विकास है, बौद्धिक है और सामाजिक, तीनों है, ठीक है, सर्वांगीण विकास है। विधायकता, स्वतंत्र सोचने की क्षमता किस अवस्था में प्रारंभ होती है? बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, शैशवावस्था में, या फिर जेम्स प्रौढ़ावस्था में, ठीक है। तो स्वतंत्र सोचने की क्षमता, स्वतंत्र सोचने की क्षमता कौन सी अवस्था में आ जाती है, ठीक है, जाहिर सी बात है बाल्यावस्था से, बचपन से ही हमें क्या होती है, सोचने की जो क्षमता होती है स्वतंत्र होती है, ठीक है। सही आंसर है ऑप्शन ए, बाल्यावस्था। चलिए अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालक की विशेषता नहीं है, ठीक है, दैनिक कार्यों में भिन्नता, अमूर्त विषय में रुचि, मानसिक क्रिया की तीव्रता, या यांत्रिक विषय में रुचि। तो जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनके दैनिक कार्य भिन्न होते हैं, ठीक है, उनकी अमूर्त विषयों में रुचि होती है, उनकी मानसिक क्रिया क्या होती है, तीव्र होती है, तो और यांत्रिक विषय में रुचि, ठीक है, उनकी यांत्रिक विषय में रुचि नहीं होती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। थार्नडाइक ने बुद्धि के प्रकार बताए हैं, ठीक है, थार्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं, तीनों ने बुद्धि के तीन प्रकार बताई है, कौन कौन सी, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि, तीनों, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, बुद्धिगत विकारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, ठीक है, तो बुद्धिगत विकारक सिद्धांत जो है वो स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया, जिसमें इन्होंने बुद्धि के दो सिद्धांत बताए, ठीक है, बुद्धि के दो प्रकार बताए, सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि, किन्होंने, स्पीयरमैन ने, ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न है,
EQ एवं IQ किसका उदाहरण है? EQ एवं IQ किसका उदाहरण है? व्यक्तित्व, व्यक्तिगत प्रदत्त, मानक प्रदत्त, प्राप्त व प्रदत्त, इनमें से कोई नहीं है, ठीक है? तो ये क्या है? मानक प्रदत्त है, मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि परीक्षण की कार्यकारी श्रृंखला का निर्माण किया? ठीक है, तो बुद्धि परीक्षण की कार्यकारी श्रृंखला का, दैट मीन्स की बुद्धि लब्धि का, किसने? अल्फ्रेड बीने ने, ठीक है। अल्फ्रेड बीने ऐसे वैज्ञानिक है जिन्होंने सर्वप्रथम क्या किया? बुद्धि मापन की परीक्षण किया, ठीक है, वैज्ञानिक पद्धति से। अगला प्रश्न, बुद्धि लब्धि को ज्ञात करने का सूत्र कौन सा है? ठीक है, बुद्धि लब्धि का ज्ञात करने का सूत्र कौन सा है? मानसिक आयु प्लस वास्तविक आयु, मानसिक आयु इंटू वास्तविक आयु बाय 100 डिवाइड है, ठीक है, मानसिक आयु बाय वास्तविक आयु इंटू 100, वास्तविक आयु बाय मानसिक आयु इंटू 100। तो बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र कौन सा है? मानसिक आयु बाय वास्तविक आयु इंटू 100, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई 5 साल का बच्चा है जिसकी मानसिक आयु कितनी है? 10 है मान लेते हैं, और इसकी वास्तविक आयु कितनी है? 5 है, तो इसकी जो बुद्धि लब्धि है वो कितनी हो जाएगी? मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, ये आ जाएगा 200, ठीक है। बुद्धि है एक अकेला और जातीय विचार, दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता, एक विशिष्ट योग्यता, सामर्थ्यों का समुच्चय, ठीक है। बुद्धि क्या है? बुद्धि सामर्थ्यों का समुच्चय है। बहिर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं, ठीक है, एक्सट्रोवर्ट, इसकी विशेषता क्या है? श्रेष्ठ समायोजन, स्पष्टवादी, चिंता मुक्त, उपयुक्त सभी, ठीक है। एक्सट्रोवर्ट की क्या विशेषता है? उपयुक्त विशेषताएं होती है, ठीक है। सृजनात्मकता उत्तरों के लिए आवश्यक है। प्रत्यक्ष परीक्षण एवं प्रत्यक्ष प्रश्न, विषय वस्तु आधारित प्रश्न, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, एक अत्यंत अनुशासित कक्षा, ठीक है। तो सृजनात्मकता उत्तरों के लिए क्या आवश्यक है? तो इसमें क्या आवश्यक है? मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। शिक्षा और मनोविज्ञान में किस तरह का संबंध है? शिक्षा का साधन मनोविज्ञान, मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा, मनोविज्ञान का आधार शिक्षा, शिक्षा का आधार मनोविज्ञान, ठीक है। तो मनोविज्ञान और शिक्षा में किस तरह का संबंध है, कैसा संबंध है? तो शिक्षा का आधार क्या होता है? मनोविज्ञान होता है, ठीक है। तो ये संबंध है मनोविज्ञान और शिक्षा का। अगला प्रश्न, सृजनात्मक मुख्य रूप से देश से संबंधित है, ठीक है। सृजनात्मक क्रिएटिविटी किससे संबंधित है? मुख्य रूप से मॉडलिंग, अनुकरण, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, ये संबंधित है अपसारी चिंतन से। अगला प्रश्न, सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है, उपरोक्त कथन किसके लिए दिया गया, उपरोक्त कथन किसके द्वारा दिया गया है? क्रो एंड क्रो, जेम्स ड्रेवर, रॉस या स्किनर, ठीक है। तो यह कथन दिया गया है क्रो एंड क्रो के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान किसने माना है, ठीक है। मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान किसने माना है? जेम्स ड्रेवर ने। अगला प्रश्न, प्रवाह पूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन देश के साथ संबंधित तत्व है। प्रतिभा, गुण, अपसारी चिंतन, त्वरण, ठीक है। तो प्रवाह पूर्णता,
व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन, ठीक है, ये सब किससे संबंधित तत्व है? तो ये सब प्रतिभा से संबंधित तत्व है, ठीक है, ऑप्शन ए। शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य नहीं है, ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान का क्या उद्देश्य नहीं है? उचित पाठ्यक्रम का निर्माण करना, तथ्यों का संग्रहण करना, शिक्षा के सिद्धांतों की खोज नहीं करना, शिक्षण विधियों में सुधार करना, ठीक है। तो कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य नहीं है? तो ये है शिक्षा के सिद्धांतों की खोज नहीं करना, ये शिक्षा मनोविज्ञान का सिद्धांत में नहीं है। अगला प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान है अनुप्रयुक्त विज्ञान, सामाजिक विज्ञान या फिर व्यवहारिक विज्ञान? तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? अनुप्रयुक्त विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान भी है और व्यवहारिक विज्ञान भी है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, निशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है देश में निशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। मुक्त विद्यालयों में ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के विद्यार्थियों, नियमित विद्यालयों में या फिर विशेष विद्यालयों में, ठीक है। तो निशक्त बच्चों को समेकित शिक्षा के अंतर्गत किसमें? नियमित विद्यालय में निशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना इसका क्या है? उद्देश्य है। अगला प्रश्न, 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? ठीक है, देखिए हमने बुद्धि लब्धि का अभी क्या पढ़ा, फॉर्मूला पढ़ा, जिसमें क्या है मानसिक आयु, ठीक है, इसका क्या है फॉर्मूला है बुद्धि लब्धि की, मानसिक आयु बाय वास्तविक आयु इंटू 100, ठीक है। तो 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु कितनी है? 8 वर्ष की है, ठीक है। तो मानसिक आयु 8 वर्ष, वास्तविक आयु कितना है? 5 वर्ष है, इसको इंटू कर दीजिए 100 से, कितना आ जाएगा? 160, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी 160। अगला प्रश्न, विश्लेषण, संश्लेषण, पूर्वानुमान, परामर्श, अनुवर्ती कार्यवाही, ये आवश्यक चरण किस प्रकार की परामर्श से संबंधित है? ठीक है, तो उदार, निर्देशक, गैर निर्देशक, ग्राहक केंद्रित, किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है निर्देशक से, ठीक है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, एक सफल पेंटर की किस तरह की बुद्धि की प्रबलशीलता होती है? ठीक है, अगर कोई पेंटर है तो उसकी बुद्धि कैसी होगी? अमूर्त बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि, सामाजिक बुद्धि या फिर सामान्य बुद्धि? तो इसकी बुद्धि होगी अमूर्त बुद्धि, ठीक है। अमूर्त बुद्धि किनका होता है? जो कलाकार होते हैं, ठीक है, जैसे पोएट हो गया, पेंटर हो गया, जो लोग आर्ट एंड क्राफ्ट करते हैं। यांत्रिक बुद्धि किसकी होती है? जो डॉक्टर, इंजीनियर बनते हैं, इनकी बुद्धि कैसी होती है? यांत्रिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि, सामाजिक बुद्धि किनकी होती है? जो लोग राजनेता बनते हैं, ठीक है, ये सब किनके? सामाजिक बुद्धि। और सामान्य बुद्धि, सामान्य बुद्धि होती है। निम्नलिखित में से कौन परामर्श के प्रकारों का सही संयोजन दिखा रहा है? प्रारंभिक प्रकटीकरण, गहन अन्वेषण और कार्यवाही में प्रतिबद्धता, सूचना, सलाह और सुझाव देना, निर्देशक, गैर निर्देशक और उदार, शिक्षण, मार्गदर्शन और परामर्श, ठीक है। तो क्या बोला है इसमें? परामर्श के प्रकार, ठीक है,
परामर्श के प्रकार कौन कौन से होते हैं? परामर्श के प्रकार होते हैं निर्देशन, गैर निर्देशन और उदार। ठीक है, तीन तरीके से होते हैं, एक निर्देश देना, दूसरा गैर निर्देशक और तीसरा उदार। ठीक है, अगला प्रश्न, इलेक्ट्रिक काउंसलिंग के आयोजन के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण है? जरूरतों और व्यक्तिगत विशेषताओं का अध्ययन, तकनीकों का चयन, काउंसलिंग की तैयारी, क्लाइंट और अन्य संबंधित लोगों की राय लेना। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक काउंसलिंग के आयोजन के लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो इसके लिए क्या महत्वपूर्ण है? जरूरतों और व्यक्ति की विशेषताओं का अध्ययन। ठीक है, कि व्यक्ति में क्या विशेषता और उसकी क्या जरूरत है, इसका अध्ययन किस में आता है? इलेक्ट्रिक काउंसलिंग में आता है। अगला प्रश्न, एक छात्र के साथ परामर्श में शिक्षक को चाहिए, ठीक है, एक शिक्षक को छात्र के साथ किस प्रकार से परामर्श करना चाहिए? अधिकांश शिक्षण करने की योजना बनाएं, उसे जानकारी देने से बचे, शिष्य के साथ संबंध स्थापित करें, कई महंगी तकनीकें स्थापित करें। ठीक है, तो छात्र के साथ परामर्श में शिक्षक को क्या चाहिए? ठीक है, तो इसको चाहिए शिष्य के साथ संबंध स्थापित करें। ठीक है, कि अपने जो स्टूडेंट है उसके साथ फ्रेंडली रहे, फ्रैंक हो, तब स्टूडेंट आके शिक्षक के साथ क्या करेगा? अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करेगा। निम्नलिखित में से कौन परामर्श काउंसलिंग की प्रक्रिया का पहला चरण है? प्रारंभिक प्रकटीकरण, गहन अन्वेषण, कार्यवाही के लिए प्रतिबद्धता, तालमेल बनाना। ठीक है, तो परामर्श काउंसलिंग की प्रक्रिया का पहला चरण क्या है? तो ये है प्रारंभिक प्रकटीकरण। ठीक है, पहले आप तो जो भी आपको परामर्श चाहिए उसके विषय में आपको पहले प्रकट करना पड़ेगा ना कि आपको किस विषय में परामर्श चाहिए, तो इसका पहला चरण क्या है? प्रारंभिक प्रकटीकरण। विलियमसन ने निर्देशक परामर्श में कितने चरण दिए हैं? ठीक है, विलियमसन ने निर्देशक परामर्श के कितने चरण दिए हैं? तो इन्होंने बताए हैं 6 चरण। अगला प्रश्न, हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत देश पर बल देता है। हार्वर्ड गार्डन का बुद्धि सिद्धांत किस पर बल देता है? तो ये बल देता है प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर बल देता है किसका? हार्वर्ड गार्डन का बुद्धि लब्धि सिद्धांत। एकल अभिभावक वाले बच्चे को पढ़ाते समय शिक्षक को चाहिए। ठीक है, एकल अभिभावक अभिभावक वाले बच्चे मतलब कि ऐसे बच्चे जिनके या तो मम्मी है या फिर पापा है। ठीक है, जिनके एक ही अभिभावक है, उनको पढ़ाते समय शिक्षक को कैसे रहना चाहिए? स्थिर और एक रूप वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए, इस तथ्य को अनदेखा कर देना चाहिए और ऐसे बच्चों को अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए, ऐसे बच्चे को कम गृह कार्य देना चाहिए, इस प्रकार के बच्चों के साथ भिन्न प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, तो एकल अभिभावक वाले जो बच्चे हैं इनको पढ़ाते समय शिक्षक को कैसे रहना चाहिए? शिक्षक को इस तथ्य को अनदेखा कर देना चाहिए और ऐसे बच्चों के साथ अन्य बच्चों के समान ही व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, उनको बिल्कुल अलग से ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न, जब एक निर्योग बच्चा पहली बार विद्यालय जाता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ठीक है, जब एक निर्योग्य बच्चा जब वो पहली बार स्कूल जाता है तो शिक्षक को उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे को माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए, बच्चों की निर्योग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए, उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रहना चाहिए, उपयुक्त में सभी। ठीक है, तो जब ऐसा बच्चा कोई स्कूल आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए कि सहकारी योजना, कई सारे जैसे जो निर्योग बच्चे होते हैं उनके लिए क्या होता है, कई सारी सरकारी योजनाएं चलती रहती है, तो ये योजना के बारे में शिक्षक को उसके पेरेंट्स को बताना चाहिए। ठीक है, तो सरकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे को माता पिता के साथ
चर्चा करनी चाहिए। आरटीआई एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के प्रति सप्ताह में कुल कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करने हैं, ठीक है। आरटीआई एक्ट 2009 के तहत शिक्षकों के प्रति सप्ताह में कुल कितने घंटे योजना बनाकर कार्य करना है, 45 घंटा, 44 घंटा, 42 घंटा या फिर 50 घंटा। तो ये क्या है, 45 घंटा। अगला प्रश्न, बच्चों के लिए निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए लागू है, ठीक है। तो निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किनके लिए है, तो आरटीआई एक्ट 2009 में क्या बोलता है कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना चाहिए। तो कौन से वर्ष, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। अगला प्रश्न, विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है, विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चे के लिए सूक्ष्माति सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर, केवल निर्योग्य छात्रों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने पर, संपूर्ण कक्षा की कीमत पर, नियोग्य बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने पर, विद्यालयों में निरक्षर अभिभावकों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर, ठीक है। तो विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः किस पर केंद्रित होता है, विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों की सूक्ष्मता अति सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर केंद्रित रहता है। अगला प्रश्न, सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके प्रचार वाक्य हो सकता है, संशक्तिशील शिक्षा, समावेशी शिक्षा, सहयोगात्मक शिक्षा या फिर पृथक शिक्षा, ठीक है। सभी के लिए विद्यालयों में सभी शिक्षा, ठीक है, सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा किसका प्रचार वाक्य हो सकता है, तो समावेशी शिक्षा का। किस मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत प्रतिपादन किया, जॉन बी कैरोल, थर्स्टन का वैली, सिरिल बर्ट का सिलिरबर्ट व बर्मन, बिने साइमन, ठीक है। तो मनोवैज्ञानिक बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो ये प्रतिपादित किया है सिरिल बर्ट व बर्मन, सिरिल बर्ट एंड बर्मन। अगला प्रश्न, देश व्यक्ति के भीतर उन मनोवैज्ञानिक भौतिक तंत्र का एक गतिशील संगठन है जो उसके पर्यावरण के लिए अद्वितीय समायोजन निर्धारित करता है, ठीक है। पर्सनालिटी, इंटेलिजेंस, गाइडेंस या एप्टीट्यूड, तो ये क्या होता है, पर्सनालिटी, जो उसके जो व्यक्ति है उसकी पर्यावरण के लिए अद्वितीय समायोजन का निर्धारित करता है कौन, पर्सनालिटी। अगला प्रश्न, बहुविधि बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता डैश कहलाती है, ठीक है। तो बहुविधि बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशु हो गए, खनिज, पेड़ पौधे, इनको पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है, प्राकृतिक बुद्धि कहलाती है। सारे किससे संबंधित है, प्रकृति से संबंधित है, ठीक है, पशु, पेड़ पौधे, खनिज, तो इसकी जो क्या है, वर्गीकृत या पहचानने की जो योग्यता है उसको क्या बोलते हैं, प्राकृतिक बुद्धि बोलते हैं। अगला प्रश्न, एक प्रभावी परामर्शदाता को होना चाहिए, एक अच्छी तरह से समायोजित व्यक्ति, उम्र में वरिष्ठ, व्यवसायिक रूप से प्रशिक्षित, एक आदतन शिक्षार्थी, प्रभावी परामर्शदाता को, ठीक है, क्या बोला है,
कि एक प्रभावी परामर्शदाता को कैसा होना चाहिए, तो उसको होना चाहिए व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित, ऑप्शन सी। परामर्श सेवा के प्रभावी होने के लिए विद्यालय प्रशासक को चाहिए, ठीक है। तो परामर्श सेवा के प्रभावी होने के लिए विद्यालय प्रशासक को क्या करना चाहिए, मार्गदर्शन की प्रकृति, लक्ष्यों और सिद्धांतों को खुद परिचित करना चाहिए, ठीक है, मार्गदर्शन की प्रकृति, लक्ष्यों और सिद्धांतों से खुद को परिचित करना चाहिए, किसको, विद्यालय प्रशासक को, ठीक है, परामर्श सेवा के प्रभावी होने के लिए। अगला प्रश्न, प्री मैट्रिक छात्रावास में प्रवेश हेतु विद्यालय बालक के लिए उसकी गृह स्थल से छात्रावास की न्यूनतम देश की दूरी होनी चाहिए, ठीक है, प्री मैट्रिक छात्रावास में प्रवेश करने के लिए विद्यालय की दूरी कम से कम कितनी होनी चाहिए, 3 किलोमीटर से अधिक होनी चाहिए, ठीक है। और अगर ये प्राइमरी आ जाता तो प्राइमरी 1 किलोमीटर से होता है, ठीक है। किसी छात्र को छात्रावास में कब, छात्रावास से कब निष्कासित किया जा सकता है, यदि वह नियमित रूप से उपस्थित ना हो, यदि अनुचित कार्य में संलग्न हो, यदि मेस फीस ना दिया हो, ठीक है। तो अगर कोई विद्यार्थी जो छात्रावास में रह रहा है वो रेगुलर प्रेजेंट नहीं हो रहा है, उपस्थित नहीं हो रहा है, ठीक है, या तो अनुचित कार्य में उसको लिप्त पाया गया, या तो मेस की फीस नहीं दिया हो, तब इन तीनों परिस्थिति में उसको क्या किया जा सकता है, हॉस्टल से निकाला जा सकता है। तो सही आंसर क्या है, उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी छोड़ो। ऑप्शन डी, ठीक है। अगला प्रश्न, आदिवासी विकास खंड में संचालित किसी छात्रावास की समिति में अध्यक्ष कौन होगा, ठीक है। अगर कोई ऐसा छात्रावास जो आदिवासी विकास खंड में संचालित हो रहा है तो उस छात्रावास के अध्यक्ष कौन होंगे, ठीक है। तो उस छात्रावास के अध्यक्ष कौन होंगे, वो होंगे जनपद उपाध्यक्ष, ठीक है, इस छात्रावास समिति के, छात्रावास समिति के अध्यक्ष होंगे। और अगर वो छात्रावास समिति जो है वो आदिवासी विकास खंड में ना होकर जिला में हो अगर, ठीक है, तब उसके जो समिति के अध्यक्ष कौन होंगे, तो उसके अध्यक्ष कौन होते हैं, कलेक्टर होते हैं, बीओडीओ उसके सदस्य होते हैं, ठीक है, छात्रावास समिति के। छात्रों को छात्रावास से आकस्मिक अवकाश अधिकतम कितने दिनों के लिए दिया जा सकता है, आकस्मिक अवकाश, ठीक है, 10, 30 दिन, 20 दिन, 35 दिन, 10 दिन, ठीक है। छात्रावास से छात्रों को आकस्मिक अवकाश कितने दिन के लिए दिया जा सकता है, तो ये 10 दिन के लिए दिया जा सकता है। अगला प्रश्न है, यूजीसी की स्थापना की सिफारिश किसके द्वारा की गई, तो यूजीसी की स्थापना की सिफारिश जो है सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन के द्वारा करी गई, स्वतंत्रता के पश्चात, ठीक है, एजुकेशन के क्षेत्र में गठित प्रथम समिति था ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिसने यूजीसी की स्थापना की सिफारिश की थी, ठीक है, और यह समिति गठित हुई थी 1948 में। अगला प्रश्न, कोठारी आयोग का गठन कब किया गया, तो कोठारी आयोग का गठन किया गया था जुलाई 1964 में, और यह था 14th जुलाई, ठीक है, 14th जुलाई 1964 को किसकी, कोठारी आयोग की गठन किया गया था। अगला प्रश्न, आरटीई 2009 की किस धारा में विद्यालय प्रबंधन समिति का उल्लेख किया गया है, ठीक है, तो आरटीई की राइट टू एजुकेशन 2009 की किस धारा में विद्यालय
प्रबंधन समिति का उल्लेख है, ठीक है। तो कौन से धारा में उल्लेखित है ये, तो ये है धारा 21 ऑप्शन बी। एनसीईआरटी की आधिकारिक भाषा कौन कौन सी है, ठीक है। तो एनसीईआरटी की गठन जो है ये 1961 में हुआ था, ठीक है। यूजीसी का गठन भी 1961 में हुआ था, ओके। तो एनसीईआरटी की आधिकारिक भाषा कौन सी है, इसकी आधिकारिक भाषा है हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू, 1, 2, 3 ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, ठीक है। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम क्या है, शिक्षा मंत्रालय है, ठीक है। अगला प्रश्न, एनईपी 2020 के अनुसार निम्न में से कौन सा फॉर्मूला मान्य है, ठीक है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो आई है उसके अनुसार कौन सा फॉर्मूला अपनाया गया है, तो इसके अनुसार 5+3+3+4 का 5-3-3-4 का फॉर्मूला अपनाया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा को किस कक्षा में लाने का प्रावधान है, ठीक है। तो एनईपी के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा को कौन से क्लास में लाने का प्रावधान रखा गया है, तो इसको रखा गया है 6वीं कक्षा में लाने का, ठीक है। तो शिक्षा देने का उद्देश्य, अगला प्रश्न, शिक्षा देने का उद्देश्य क्या है, राष्ट्रीयता की भावना का विकास, आदर्श व श्रेष्ठ नागरिक, राष्ट्र निर्माण में सहायक, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, शिक्षा देने का उद्देश्य है राष्ट्रीय भावना का विकास, बिल्कुल, ठीक है। आदर्श व श्रेष्ठ नागरिक बने और राष्ट्र निर्माण में सहायक करे, ठीक है। तो सही आंसर ऑप्शन है सभी। चलिए, योग शिक्षा के प्रतिपादक है, तो योग शिक्षा के प्रतिपादक कौन है, महर्षि कणाद, गौतम ऋषि, महर्षि जैमिनी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं, बताइए योग शिक्षा के प्रतिपादक कौन है, योग शिक्षा के प्रतिपादक है महर्षि पतंजलि, ठीक है। अगला प्रश्न, ठीक है, सूर्य नमस्कार में कितने चरण होते हैं, ये तो सभी को पता होगा, सूर्य नमस्कार में कितने चरण होते हैं, 12 चरण होते हैं। चलिए लास्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकास दी गई विशिष्ट अधिगम वरीयता वाले विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन राजनीति का सही युग्म है, ठीक है। कौन सा श्रवणात्मक, लिखित कार्य के आधार पर मूल्यांकन, दृश्यात्मक, मुख्य रूप से व्याख्यान के माध्यम से वितरित वस्तु, गति संवेदी, निष्क्रिय सुनने की अपेक्षा करें, स्पर्शनीय, अधिगम के लिए हाथों द्वारा करके अनुभव, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, सही युग्म बताना है। तो श्रवणात्मक सुनने से, ऑब्वियसली सुनने से संबंधित होगा, बट यहाँ पे क्या है, लिखित कार्य है, ये गलत हो गया। दृश्यात्मक देखने से है, बट यहाँ पे क्या है, मुख का है, मुख्य रूप से व्याख्यान बोलने का। गति संवेदी, ये निष्क्रिय सुनने की भावना है, ठीक है, तो ये गलत हो गया। तो सही युग्म कौन सा है, स्पर्शनीय, ठीक है। स्पर्शनीय क्या, अधिगम के लिए हाथों द्वारा करके अनुभव। स्पर्शनीय व्याख्यान क्या होता है, कि किसी चीज को स्पर्श करना, ठीक है। तो चलिए, ये सीडीपी का हमारा क्वेश्चन था, जिसमें 75 क्वेश्चन थे जो आज हमने यहाँ पे सॉल्व किए। और अभी हॉस्टल वार्डन की हमारी अब जो पेपर हो रही थी, पेपर वाइज, टॉपिक वाइज बोलना चाहिए, वो कंप्लीट हो गई। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो क्या होगी, हमारी मेगा 1 होगी, ठीक है।